सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। सीजन 13 का आज का एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है, जिसमें फुल ऑन ड्रामा, इमोशन, शहनाज का ब्रेकडाउन, सिद्धार्थ शुक्ला को पनिशमेंट, सिद्धार्थ शुक्ला के लिए पनिशमेंट की अपील और भी कई सारे ड्रामे इस घर में देखने को मिले। तो चलिए, आज का ये एपिसोड इतना खास और इंटरेस्टिंग रहा ही तो अब इसकी हाइलाइट्स भी जान ही लेते हैं। तो आज के एपिसोड में हुआ कुछ यूं कि टास्क के पहले दिन के बाद शहनाज कौर गिल अपने दोस्तों के बिहेवियर से थोड़ी नाराज और दुखी होती है और सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर थोड़ी अपसेट भी होती है। यहाँ पर शेफाली और आरती उन्हें समझाती हुई नजर आती है कि बेशक तुझे लग रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने तुझे चीट किया है, तुझे इग्नोर कर रहा है, लेकिन आरती बताती है कि मैंने ये कहा था कि मुझे तुझ पे विश्वास नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ ने मुझे बोला कि उसे तुझ पे बहुत ज्यादा विश्वास है और इस तरीके से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तो वही घर में दूसरी तरफ ड्रामे चल रहे होते हैं सिद्धार्थ शुक्ला के पनिशमेंट को लेकर। माहिरा कहती है कि ये जो कुछ भी हुआ है बिग बॉस, आई कांट टेक दैट, उन्होंने जो कुछ किया है वो गलत है, आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। और फिर फाइनली बिग बॉस सभी घर वालों को हॉल में बुलाते हैं, लेकिन शहनाज आने से इनकार कर देती है। घर वाले उन्हें समझाते लेकिन फिर भी वो नहीं आती है। एंड देन बिग बॉस सिद्धार्थ शुक्ला के बिहेवियर को लेकर अनाउंसमेंट करते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया टास्क के दौरान बहुत ही ज्यादा निंदनीय रहा और इसके लिए उन्हें सजा के तौर पर अगले 2 हफ्तों के लिए नॉमिनेट किया जाता है। माहिरा इस फैसले से बेहद खुश नजर आती है, तो वही सिद्धार्थ शुक्ला और उनके बाकी दोस्त इस चीज से अपसेट दिखते हैं। शहनाज काफी परेशान दुखी होती है, वो बिग बॉस की ऑडियो को नहीं मानती है। बिग बॉस उन्हें बुलाते हैं कन्फेशन रूम में, बिग बॉस उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आफ्टर ऑल उन्हें हुआ क्या है, कहां गई वो पुरानी वाली शहनाज। शहनाज बताती है कि वो सिद्धार्थ शुक्ला से बात करना चाहती है, वो उन्हें इग्नोर कर रही है, लेकिन बिग बॉस कहते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इस घर में जब भी आप दुखी थी, परेशान थी, तो सिद्धार्थ शुक्ला आपके पास ही थे। इस तरीके से वो यहाँ पर रोती हुई नजर आती है। इसके बाद अगले दिन की शुरुआत होती है, घर में बजता है एक एनर्जेटिक गाना और ये घर वाले उस गाने पर झूमते हुए नजर आते हैं। इसके बाद घर में वही किचन ड्रामा होता है, खाने वाने को लेकर बातें होती हैं और फिर यहाँ पर शहनाज कौर गिल सिद्धार्थ शुक्ला और अपने रिलेशन को लेकर बातें करती हुई नजर आती है कि चाहे जो भी कुछ हो जाए, हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो, लेकिन वो मेरा दोस्त है और हमेशा मेरा दोस्त रहेगा और हम दोनों की दोस्ती कभी नहीं टूट सकती, मैं उसकी कभी बुराई नहीं करूंगी। यहाँ तक कि वो अपने नए दोस्तों के सामने सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर बातें भी करती हुई नजर आती है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है और ये सब चीजें मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ। इसके बाद टास्क के दूसरे दिन की शुरुआत होती है, घर वाले पूरे जोश के साथ इस टास्क को कंप्लीट करते हैं, लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। दोनों ही टीम्स अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करती हैं, लेकिन इस टास्क में जीत जाते हैं आसिम की टीम, यानी कि जीत जाते हैं आसिम रियाज, सिद्धार्थ शुक्ला, हिंदुस्तानी भाऊ विकास, शेफाली जरीवाला, आरती सिंह और हिमांशी खुराना, और अब इन्हीं में से कोई एक होगा घर का अगला कैप्टन। तो दोस्तों, ये थी बिग बॉस सीजन 13 में सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 39 की हाइलाइट्स, जहां पर घर में देखने को मिला इमोशनल ब्रेकडाउन सना का, घर में बनते नए रिश्ते, तो कई घर वालों को उनकी गलतियों के लिए बिग बॉस का ऑर्डर फॉलो न करने की वजह से मिली सजा, और भी कई तरह के इस घर में ड्रामे और इमोशनल चीजें देखने को मिली। तो बिग बॉस के इस टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।